अपने एक दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मैराथन बैठक ली है और अपने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दिया है। तेजस्वी सूर्या ने स्वराज संवाददाता स्वाति कौशिक से खास बातचीत की। लगातार आप छत्तीसगढ़ के दौरे पर है, यहाँ पे बहुत मजबूती से आप लोगों की टीम काम कर रही है, क्या लगता है युवाओं के लिए क्या नया और कुछ खास रहेगा? भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, युवाओं को रोजगार सृजन करने वाली सरकार और युवाओं के आशा और आकांक्षाओं को प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी देगी, यही भारतीय जनता पार्टी का वादा है। साथ ही कितने रोजगार सृजन करने के बाद जो है वो लगातार आप लोग कह रहे हैं, तो यही पर एक बहुत महत्वपूर्ण विषय निकल कर आता है। अभी तक छत्तीसगढ़ में घोषणा पत्र जो देश में अत्यंत भ्रष्ट सरकार भूपेश जी की सरकार है, जहाँ भ्रष्टाचार होता है वहाँ स्वाभाविक रूप से रोजगार नहीं हो सकता है। रोजगार सृजन में देश के एवरेज के बहुत कम स्तर पर छत्तीसगढ़ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद रोजगार सृजन में भी बहुत बड़ी काम होगा। अलग अलग तरीके की एलिगेशंस बीजेपी लगातार लगाती रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? ये तेजस्वी सूर्या जिन्होंने रोजगार सृजन के बाद जो है वो प्रदेश में कही, अब देखने वाली बात यही होगी कि घोषणा पत्र जब यहाँ पर आ जाता है तब क्या और कैसी स्थिति बनती है। फिलहाल बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व लगातार यहाँ पर दौरे कर रहा है और अपनी राजनीति किस तरीके से यहाँ पर रहेगी उसकी बात जो है वो कर रहा है। कैमरा पर्सन भूपेन के साथ स्वाति कौशिक, स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से।